रात भर नींद नहीं आई और सोते सोते सुबह हो गई। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो रही है और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और हमें निकलने से मैं देखो तैयार भी नहीं हुआ, थोड़ी हालत बुरी हो रही है। 2 मिनट बस नहा धो के तैयार होते हैं, आपसे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कराची PMA हाउस। ये पिकनिक कराची प्रेस क्लब की जानिब से थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बताता चलूँ, कराची प्रेस क्लब हर साल अपने मेंबर्स के लिए एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करता है। सारी मैनेजमेंट इन्होंने बहुत बेहतर की और सारे इंतजाम बहुत मुनज़्ज़म थे। तैयार हो गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं कराची PMA हाउस के लिए, तो फिर हम आपको वहीं मिलते हैं, वहाँ से हमारी रवानगी है। रिक्शा किया और रास्ते से ग्लासेस खरीदे और पहुँच गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची PMA हाउस और आप लोग के यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है। यहाँ से हमारी रवानगी है, यहाँ पे बाहर बसें खड़ी हुई हैं और जितनी भी बसें हैं सब नंबर के हिसाब से बैठेंगे। आप लोग देख सकते हैं हर बसों पे अपना नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इस बस पे भी लिखा हुआ है। बाकायदा यहाँ पे बसें खड़ी हुई हैं। हम सबको एक बैंड दिया गया है, आप देख सकते हैं बहुत कितना अच्छा बैंड है। ये वाला नहीं बोल रहा भाई, ये वाला बैंड दिया गया है, वो तो घड़ी है। हमें 9 नंबर बस में बैठना है और सारी की सारी बसें नंबर्स के हिसाब से हैं, आप देख सकते हैं। बसों में बैठ के ही हम वाइल्ड एडवेंचर वाटर पार्क जाएंगे, तो फिर हम आपको आगे का सफ़र दिखाते हैं इंशाल्लाह। रास्ता ज़्यादा तवील नहीं था और मौसम ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा और ना तो बहुत ज़्यादा गर्म था। मैं अच्छी सी सीट देख के उधर बैठ गया। 15 से 20 मिनट में हम वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क में इंटर हुए। सिक्योरिटी के लिए हमारे साथ पुलिस की मोबाइल और एम्बुलेंस गई थी ताकि किसी भी हादसे की सूरत में बर वक्त कार्रवाई की जाए। थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कुछ लोग अपने ही तौर पे अपनी गाड़ियों में आए हुए थे। वाटर पार्क की इंट्रेस से पहले टिकट के काउंटर्स बने हुए थे और आप सोच रहे होंगे जो बैंड मिला था वो किस काम का था। खैर, उधर सीन ये था कि हमने अपना बैंड दिखाया और हमें एक टिकट मिला और हर फर्द जिसके पास बैंड था उसको एक टिकट दिया गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारी एंट्रेंस हो गई। ये एंट्रेंस है इनकी और यहाँ से पूरा उनका आना है और ये इस जगह सामने का व्यू है ये एक, और ये यहाँ का व्यू एक अलग है। वहाँ पे सिटिंग प्लेस बनाई हुई है, बिल्कुल एंट्रेंस से निकलते ही राइट साइड पे इन्होंने सिटिंग प्लेस बनाई हुई है और बहुत बेहतर सिटिंग प्लेस है इनकी। सिटिंग प्लेस के लेफ्ट साइड पे पार्क है, थोड़ा अच्छा सा पार्क है, दिखाता हूँ। ऊपर ये शेड लगाया हुआ इन्होंने और यहाँ पर बैठने की जगह है, सारे लगातार ऐसी हैं, बहुत अच्छा सा माहौल है यहाँ पर। अंदर घुसते ही सामने ब्लू शेड्स लगाए हुए थे और वहाँ पे टेबल्स रखी हुई थी। असल में वो वाटर पार्क वालों की अपनी जगह थी और उसी के सामने कैंटीन्स मौजूद थी जो वाटर पार्क वालों की अपनी कैंटीन्स थी। 10 या 10:30 का टाइम हो चुका था और सोचा नाश्ता कर लें। हम अंदर आ चुके हैं, भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। खैर, फिर पता चला कि इन लोगों की फ़ूड कोर्ट बहुत ज़्यादा दूर अंदर जाके है, तो फिर हम चलते चलते फ़ूड कोर्ट के पास भी पहुँच गए। ये फ़ूड कोर्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने पिकनिक 2022। फूड कोर्ट में इंटर होते ही इनका एक मेडिकल कैंप लगा हुआ था जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह मौजूद थे और उसी के सामने मेन्यू था। सुबह के नाश्ते के तौर पे इनके मेन्यू में हलवा पूरी थी, तो मैंने हलवा पूरी खाई और वैसे इनकी तरकारी और पूरी दोनों ही बहुत बेहतर और लजीज थी। शुरू में ही इन्होंने कैश काउंटर लगाए हुए थे जिधर आप पैसे दोगे और उसके बदले आपको एक टोकन दिया जाएगा। अगर आप 25 रुपये दोगे आपको 25 रुपये का एक टोकन दिया जाएगा, अगर आप 50 दोगे तो आपको 25 वाले दो टोकन दिए जाएंगे। उसके बदले आप हलवा पूरी ले सकते हो। एक हलवा पूरी की कीमत 25 रुपये थी, तो सबसे पहले वो 25 रुपये का वाउचर, टोकन या फिर टिकट जो भी कह लो वो ख़रीद के आपको हलवा पूरी वाले के बुफेट पे आना था और उनको टोकन पकड़ाए थे, उसके बदले वो आपको
हलवा पूरी दे रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी इनका मेन्यू रेट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुनासिब था। उसके बाद मैंने एक अच्छी जगह देख के उधर सामान रखा और बैठ गया, थोड़ा सा आराम किया। उसके थोड़ी ही देर बाद प्यास लगी तो सोचा पानी की बोतल लेकर आता हूँ, और मैं पानी की बोतल लेने गया। पानी की बोतल लेने गया तो मैंने देखा कचौरियाँ बन रही हैं। फिर मैंने 25 वाला एक टोकन दे के उन्हें कहा कचौरी दे दो, तो उन्होंने मेरे हाथ में 3 कचौरियाँ थमा ली और कहा 25 रुपये में 3 कचौरी मिलेंगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद इनके मेन्यू में चाट और अंडे वाला बर्गर भी शामिल हो गया। खैर मैंने उनमें से एक भी चीज़ नहीं खाई, अगर मैं वो खा लेता तो फिर मेरा दोपहर का खाना खाने का दिल नहीं करता। उसी के थोड़ी देर बाद बिरयानी की दहियाँ आना स्टार्ट हो गई। जो लोग सोच रहे होंगे ये सारा सामान अंदर कैसे आ रहा है, तो उनको बताता चलूँ, पीछे एक गेट है जहाँ से सुजुकी और ट्रक्स में सारा सामान लोड होके आ रहा है। दोपहर का टाइम होते ही बिरयानी और पुलाव के बुफेट लगना स्टार्ट हो गए और उनमें बिरयानी और पुलाव लोड कर दिया गया। और दूसरी तरफ कढ़ाई बन रही थी, कढ़ाई के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कढ़ाई को मिस कराया और बिरयानी की तरफ टूट पड़ा। मेरे ओपिनियन के मुताबिक मुझे बिरयानी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू पुलाव। पुलाव बीफ का था और बिरयानी चिकन की थी। खाने के बाद मीठे में कुल्फ़ी थी, तो मैंने कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मुनासिब रेट में मिल रही थी। कुल्फ़ी दरअसल थर्मोकोल के आइस बॉक्स से निकाली जा रही थी। आप सबको बताता चलूँ कि पानी की 500 ml वाली बोतल, रेगुलर कोल्ड ड्रिंक और चाय सब 25 रुपये के टोकन से मिल रहा था। नाश्ता भी हो गया, खाना भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूल की तरफ निकलते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं पूल के सारे सीन। और पूल्स में फैमिलीज होने की वजह से वहाँ वीडियो बनाना मुझे ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रहा था, तो मैंने एक ऐसी जगह देखी जहाँ पर कोई था नहीं और वहाँ पर मैंने एक अपना क्लिप बना लिया। मैं नहा धो के आ गया हूँ और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया पिकनिक में। मतलब आप लोग आओगे ना आपके फुल पैसे वसूल हो जाएंगे। माशाल्लाह से इन लोगों ने बहुत बेहतरीन इंतज़ाम करा है। मैं कहता हूँ कि आप लोग भी आएँ, यहाँ पे विज़िट करें। प्रेस क्लब की तरफ से पिकनिक थी और बहुत मुनज़्जम पिकनिक थी, बहुत मैनेजमेंट वगैरह बहुत बेहतरीन थी इन लोगों की। उसके अलावा इन लोगों का सारा निज़ाम वगैरह बहुत बेहतर था, खाना बहुत बेहतर था। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी आएँ, यहाँ पर विज़िट करें। हम लोग निकल रहे हैं, बस से हमारी खड़ी हुई है, ऐलान हो रहा है कि बस अब सारे आ जाएं। तो मैं जाता हूं, अपने कपड़े वगैरह चेंज करता हूं और निकलने की तैयारी करते हैं। बस ये वाला व्लॉग यहीं तक था। और जो लोग यहां पे विज़िट करना चाहते हैं तो उनको मैं लोकेशन, सारी डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं।